स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे अकेडमी में। साथियों, इधर कुछ समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसमें कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थीं। फिर भी आपको अब नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, अपडेट्स सारी प्राप्त होती रहेंगी। तो उसी के संबंध में आज हमने एक वीडियो बनाया रोजगार नामा के नाम से। इस वीडियो में हम लोक सेवा आयोग से संबंधित, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित और कुछ अन्य जानकारियाँ आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक ये विज्ञप्ति आई हुई है लोक सेवा आयोग पर, यह है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। लेकिन यह विज्ञप्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है 2021 RO/RO की परीक्षा का के अंतिम चरण में होने की वजह से 2022 की वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। नेक्स्ट अगला आपका है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 3000 लिखकों की भर्ती प्रक्रिया, इसको आप डिटेल देख सकते हैं। इसमें समूह गांव में लिपिक पद पर भर्ती की उम्मीद लगाए युवाओं को खुश करने वाली खबर है। 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 से अधिक लिपिकों के भर्ती के संबंध में है। इसका विज्ञापन आदेश जो है 19 सितंबर को जारी होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि PET में 50% अंक की अनिवार्यता जरूरी है। और अगली बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जो है 10 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। PET के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में शामिल होंगे और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों में से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। PET का 80% और साक्षात्कार के 20% अंकों के आधार पर चयन सूची बनेगी। ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसको हमने जो है बताना महत्वपूर्ण समझा आपको। तो इसमें आप अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसके पहले ये सारे पद जो है भर लिए जाते थे, किसी को जानकारी नहीं हो पाती थी। इसी के क्रम में अगला आपका है कि CTET के बारे में। जी हाँ, CTET 2022 दिसंबर 2022 में होगा और इसमें सामान्य OBC के लिए एक पेपर के लिए 1000, दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये रहेंगे शुल्क। इसी तरह SC/ST विकलांग के लिए एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये। ये वही खबर है एक तरीके से। एडेड कॉलेजों में भर्ती के लिए आवेदन 19 सितंबर से शुरू होंगे। और ये कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें हैं जिसको हम राइट्स में आवेदन करें। 91 पद हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले कर सकते हैं। वेबसाइट पे जा करके आप सारी जानकारी प्राप्त करिए, इसके योग्य हैं तो आवेदन करिए। इसी तरह CSIR UGC नेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नेट की तैयारी करने वाले JRF के लिए ये वेबसाइट पे जा करके सारी जानकारी अपना ले सकते हैं। जिपमर में 276 पद निकले हुए हैं। GB/C के पदों पर रिक्तियाँ हैं इसमें। इसमें आप वेबसाइट पर जा कर के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट रही दोस्तों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।